हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए अभी आया है स्टेंजर का मिक्सर, जो 12 चैनल का है। इसमें आज आप लोगों की इसका प्राइस पुराना में बताएंगे और इसमें इको कैसे काम करता है, इको बताएंगे कैसे काम करेगा, कैसे रहे। भाई, जिन लोगों का यह मिक्सर चाहिए तब मुझसे संपर्क कर सकते हैं। केवल आप मैंने संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन मारत कीजिए बाहर, नहीं तो फ़ोन करके भाई परेशान आप मुझको कर सक देते हैं, फ़ोन कीजिएगा। चलिए, आप लोगों को आज आप लोगों को सब दिखाऊंगा माइक सेटिंग कैसे करें और कैसे बजाएं इसको बढ़िया क्वालिटी में चले। चलिए भाई, आप लोगों को वीडियो के टफ ले चलता हूँ, मिक्सर दिखाऊंगा। वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, चालू हो गया। देखिए एकदम चालू हुआ। ये मिक्सर है, यहाँ मोबाइल लग लो, कैमरा लग लो। देखिए इसमें ये इसको कहते हैं इको। और देखिए बाकी भाई, मिक्सर को दाबने, इस मिक्सर को दाबने वाला प्रोग्रामिंग मिक्सर है, प्रोग्राम में दाबने वाला कोई कंपनी का मिक्सर नहीं है। हम ये बता देंगे, कम प्राइस में जो चले प्रोग्राम में हिला देने वाला मिक्सर, कोई भी मिक्सर नहीं है इसमें का। कैसे भाई, हम चलाते हैं कम से कम 3 साल हुआ इस मिक्सर को चलाते हुए, बाकी मिक्सर में कोई दिक्कत मैंने आता नहीं है ये। बाकी भाई बहुत बढ़िया लाजवाब। चल देखिए, ये भाई 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर वाला व्यवस्था इसमें दिया है। देखिए उसको यहाँ यहीं पे लगाया जाएगा। देखिए पिन दिया है 3 RC वाला। देखिए इसको हम वहीं पर लगा देंगे। देखिए इसको हम लगा कर, और एक देखिए भाई हम लीड लगाएंगे इसमें इन आउट करने के लिए। आपको पूरा बताएंगे, माइक टेस्टिंग कराएंगे वीडियो पर। देखिए भाई, आप लोगों को अब हम लाइट लगा कर दिखाऊंगा और टेस्टिंग भी दिखाऊंगा भाई, इसका टेस्टिंग कैसा है कैसा नहीं सब देखिएगा, वीडियो बने रहेगा। देखिए मेरा ट्यूबलाइजर है 5 KV का। भाई जो आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फ़ोन करके खोल कर कराइए भाई, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, बता देंगे। देखिए इसमें लाइट आ गया है, और हमको देखिए और ये केबल लेना पड़ेगा इन आउट करने के लिए। देखिए इसमें, देखिए इधर मोबाइल, देखिए इसमें ये एलोन कीजिए या तो आर कीजिए। एलोन देखिए हो गया, इसके बाद से हमको इन कर देना है। और देखिए साउंड को हम लगाया, 500 वाट का स्पीकर इसमें है, PIDO कंपनी का 500 वाट स्पीकर लगा हुआ है। बाकी भाई आवाज़ तो एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए माइक लगाने के लिए, देखिए मेरे पास माइक है 98 XLR ओजा का। आप लोग तो जानते हैं ओजा का माइक कैसा होता है कैसा नहीं। ओजा बेटा सब यूज करते हैं भाई, जिस तरह प्रोग्राम रहता है इस तरह हम यूज करते हैं, जिस माइक का लोग मांग करते हैं इस माइक का। अच्छा देखिए इसमें, देखिए इधर देखा भाई, देखा देखिए। अब इसको हम माइक लाइन में लगाएंगे, पहले दूसरा में हम लगा दिए हैं। देखिए अब इसमें हम आप लोगों को मशीन भी चालू करके दिखाएंगे। देखिए मेरा मशीन चालू हो गया, देखिए मशीन मेरा चालू हो गया, बंद हो गया। इस वहाँ से देखिए इसको हम चालू कर देंगे अब मशीन को। देखिए भाई मशीन भी चालू हो गया है। देखिए वहाँ से देखिए, पहले हम आप लोगों की इको नहीं बताएंगे, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मेरा साउंड बहुत हार्न मारता है। भाई हार्न नहीं मारेगा, चलाने का बस टेक्निक जानना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए हेलो 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 हेलो। देखिए भाई हार्न कब मारता है आप लोग देखिए भाई, किसी भी कोई भी प्रोग्राम चलाइए, इसमें ट्रेवल का मात्र ट्रेवल है ना दीजिएगा, मशीन भी से भी ट्रेवल कम और मिक्सर है वो जो है उसमें भी ट्रेवल कम दीजिएगा। कैसे ट्रेवल से हार्न उठाता है, हम लोग भाई चलाते प्रोग्राम कोई हार्न का शिकायत नहीं, नहीं तो बहुत लोग चलाते बाजा तक चो चाय करने लगता है, हार्न कभी भी नहीं मारेगा। देखिए अब टेस्टिंग है वहीं पर, देखिए मालिए चालू करके देखिए हार्न उठाएगा इसमें। ऐसे हम लोग हम ट्रेवल का मात्रा दे दिए हैं। देखिए हेलो हेलो, देखिए हार्न बहुत उठा रहा है। देखिए अब अभी इसको देखिए अब सेटिंग करेंगे, हमने उठाया। देखिए टेबल कम करिए, हमने उठाया। देखिए हेलो हेलो, देखिए साउंड एकदम पास है। देखिए हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। देखिए भाई तुमको आ रहा नहीं उठा रहा, देखिए अब इसमें इको हम बताएंगे। देखिए इधर आइए, देखिए ये इको इफेक्ट्स है। देखिए यहाँ से आप लोगों को चलाने का ऊपर है, देखिए वहाँ से इको इफेक्ट्स इतना कर देना। 3-5 आइए, बहुत बढ़िया इको देगा। देखिए आप देखिए इसको आप बराबर कर दीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं इक्वलाइजर के बारे में वो लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मतलब जो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को हम चलाने का एकदम सिंपल तरीका देखिए। हेलो 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 हेलो। देखिए वो बहुत लोग कहते हैं प्रोग्राम में 10 बार आवाज़ निकाली मिक्सर से। 10 बार निकालने का आम बात है भाई। आप लोग एक आवाज़ का 10 बार बोलवाना है तो वहाँ से देखिए टाइम। देखिए वो टाइम इसको पता है ए वाले बटन को। इस टाइम को मात्र 3 पकड़ दीजिए। आप देखिए बोलिए हेलो 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 देखिए भाई तो उनको हार नहीं उठाएगा। प्रोग्राम में लगाइए, कहीं लगाइए, मोनिटर लगाइए। मोनिटर लगाने हम का भाई हमको जरूरत नहीं पड़ता। देखिए तो उनको हार नहीं उठाएगा। देखिए भाई माइक के एकदम पास में है, कोई हार नहीं उठाएगा। आप लोगों को भाई हम लोग राय देंगे। कोई दिक्कत होता है, परेशानी होता है तो लाइव फ़ोन करके हम सब बतिया सकते हैं। हम आप लोगों को बता सकते हैं इसमें। देखिए तुमको हार नहीं मारेगा। देखिए बहुत हार दिक्कत होता है, वहाँ से हार दे दीजिए तो उनको नहीं चोरी आएगा। कैसे भाई हम लोग कीर्तन जागरण और एंड भजन में इस में हम लोग टॉप में रहते हैं। कैसे साउंड कहीं चलाते हैं तो कम से कम 5 किलोमीटर में लोग नाम लेते हैं। ऐसा आप भी भाई चलाइए साउंड और साउंड का क्वालिटी दिखाइए। मेरा साउंड इस मैंने क्वालिटी का है। इस प्रोग्राम में देखिए भाई चलाने सिंगर का आवाज़ देने के लिए सैंपल तरीका देखिए। अभी टाइम को हम 7:10 पे कर देंगे तो इतना मजा नहीं आएगा। कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए इसी को हम टाइम ऑफ फीडबैक को ऑन करते हैं। देखिए ऑन करेंगे तो बताएगा फीडबैक। हेलो हेलो जय हेलो 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 हेलो। देखिए भाई माइक भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। औजा का माइक जानते हैं आप लोग, औजा के दाबने वाला कोई भी माइक नहीं है। देखिए भाई बहुत लोग होते हैं इसमें लगा देते हैं भाई, इसमें लगाने से भाई दिक्कत होता है आप लोगों को। देखिए मेरा ख़राब हो गया इसको हमको बताना। बहुत लोग रहते हैं पैड चलाते हैं, ढोलक चलाते हैं, ढोलक बजा वाला लगाते हैं, हलवा बैंजो लगाते हैं। देखिए भाई लाइन और माइक दिया है, देख लीजिए पहले किस में आवाज़। बहुत लोगों का आवाज़ माइक मिक्सर में कहते हैं मेरा मिक्सर आवाज़ नहीं दे रहा है। मिक्सर में खराबी नहीं होता है भाई, वैसे चलाने में खराबी होता है। ऑपरेटर बढ़िया बनना चाहिए आप लोगों। देखिए बहुत लोग इसमें माइक लगा देते हैं। देखिए हम इसमें नहीं सिम लगा के दिखाएंगे। बहुत लोग इसमें माइक लगा देते हैं। देखिए बहुत लगा के कहते हैं बहुत धीमा माइक चल रहा है मेरा। देखिए इसमें कभी भी नहीं माइक चलाना चाहिए। माइक लगाने के लिए दिया है तो माइक इसमें कभी भी नहीं लगाइए। माइक कभी मत लगाइए इसमें। हेलो हेलो आवाज़ पर फंस दे रहा है।
पैड पैड का सेटिंग भाई आम लोग आम बात है, पैड चलाना है तो बेस्ट दो पर कर दीजिए, अब मिड ट्रेवल ट्रेवल भी कम दीजिए, ट्रेवल इतना भी कर दीजिए, मिड को अपने हिसाब से दे दीजिए और कोई इसमें साफ नहीं रहेगा, आप पैड को दे दीजिए। विशु को बेंजो चलाना है, हारमोनियम चलाना है, इसको केवल ट्रेवल दीजिए, ट्रेवल बेंजो में केवल ट्रेवल दीजिए, ट्रेवल से नहीं आवाज़ भाग रहा है कुछ भी दीजिए, आवाज़ एकदम बढ़िया हो जाएगा तो उनको हारने नहीं मारेगा। बेस चलाना है तो भाई बेस चलाना है तो केवल इसमें सब बंद कर दीजिए, केवल बेस आप वहाँ इतना कर दीजिए, मारेगा ताल का मचा देगा। टोन चलाना है भाई, टोन माइक टन टन नहीं होता है तबला पा, केवल आप मिड दे दीजिए, टेबल तन टन टन का आवाज़ निकालना है तो टेबल दे दीजिए, आवाज़ मारेगा भाई हिला देगा। आप लोगों को इसी तरह सेटिंग जानने के लिए भाई मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई इस मिक्सर का प्राइस आप लोग बताइए कितना में तक मिल जाएगा, इस टेंजर का 12 चैनल का मिक्सर है, अभी वो मिक्सर ढेर चला नहीं है, कैसे मैं बता दीजिए वहाँ पर देखिए सेफ्टी से नहीं रहता है सामान, देखिए एकदम न्यू मिक्सर है, ये नहीं कोई पुराना मिक्सर है, एकदम न्यू मिक्सर है, सेफ्टी सामान नहीं रहता है, इसीलिए इस मिक्सर के बाकी दाम तो भाई हम तो न्यू 12,000 के लिए थे, न्यू प्राइस आप लोग अब लगाइए इस मिक्सर को कितना तक मिलेगा कितना तक नहीं, अभी ढेर दिन मिक्सर चला नहीं है, लगभग वही चार पाँच महीना चला है मिक्सर यार, अभी नया वर्जन मिक्सर है। चलिए भाई लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर कीजिए भाई, थैंक यू।